नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑलीपोर्ट के इस ऑसम से प्लेटफॉर्म पे। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए, हम देख रहे हैं यहाँ पे एक साल का हमारा करंट अफेयर फॉर आरएएस 2021 और यहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज जो है उनको यहाँ पे हम कवर करते हुए चल रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इसी सफर में। यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं सबसे पहली न्यूज कि यहाँ पे जब क्या हुआ था, आपका जब कोविड सिचुएशन यहाँ पे वर्स्ट हुई थी, तो यहाँ पे एक बात सामने आई थी कि जहां पे ये कहा गया कि जो ये वेरिएंट आया है, ये आपका आया है क्या, ये आपका इंडियन वेरिएंट है। तो इंडियन वेरिएंट के नाम से इसे यहाँ पे बुलाया गया और जिसकी यहाँ पे काफी ज्यादा आलोचना की भारत सरकार ने, क्योंकि ये बिल्कुल भी सही चीज नहीं थी कि आप इसे इंडियन वेरिएंट के नाम से, कोविड को यहाँ पे जो आया है उसे इंडियन वेरिएंट के नाम से आप बताए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे बात एक आई है कि वेदर फ्लक्चुएशन, अब ये उत्तर प्रदेश के लिए इम्पोर्टेंट है, जो यूपी वाले हैं ठीक है उनके लिए ये इम्पोर्टेंट न्यूज हो जाती है, बट यहाँ पे हमें मालूम है कि ये हर एक स्टेट के लिए जो है वेदर फ्लक्चुएशन होती है। तो वेदर फ्लक्चुएशन यहाँ पे ट्रिगर कर सकती है पेस्ट अटैक जो है शुगर केन क्रॉप्स का यूपी में। तो ये बात यहाँ पे हम लोगों को ध्यान रखनी है, बट हमारे ध्यान से यहाँ पे जो हमें रखना है कि वो क्रॉप्स कौन सी बीमारियां यहाँ पे हो सकती है, पेस्ट कौन से होते हैं जो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे फायरलिया, ग्रासोपर, पाल आर्मी वॉर्म, ब्लैक बग, ठीक है। तो ये सारे पेस्ट होते हैं जो शुगर केन को यहाँ पे खराब कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिक में पूछा जा सकता है। तो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो वहां से ये क्वेश्चन निकल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे बात की गई है, एक आर्टिकल आया था कि व्हाइट फ्लाई जो है वो किस तरीके से यहाँ पे आए और इंडियन क्रॉप्स को उन्होंने क्या किया, कॉन्क्योर कर लिया। तो इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा तो जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है ये एक इन्वेसिव स्पीशीज है। क्या है? इन्वेसिव स्पीशीज है और जिसने यहाँ पे बहुत सारे कोकोनट, ऑयल पाम, इंडिया जो है इसे बहुत बुरी तरीके से व्हाइट फ्लाई ने क्या किया, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट की है। असल देखा जाए तो ये नेटिव कहाँ के हैं, कैरेबियन आइलैंड और सेंट्रल अमेरिका, वहां पे ये व्हाइट फ्लाई मिलती है, बट अब यहाँ पे इंडिया में आपको ये बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे और इन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है बहुत सारे, जैसे कि आप देख सकते कोकोनट, बनाना, मैंगो, कैशू, ऑयल पाम, इन सबको बहुत ज्यादा इन्होंने खराब कर रखा है। तो इनके लिए यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल पेस्ट का इस्तेमाल किया जाए, कोई बायोलॉजिकल तरीका यहाँ पे निकाला जाए जिससे इन्हें यहाँ पे रोका जा सके, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे पैरास्टॉइड्स जो है, फंगल जो है, इनका यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है जिनका हम इन्हें मार सकते हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे इसमें की गई, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये इन्वेसिव स्पीशीज है जिसने लगातार बहुत सारी फसलों को यहाँ पे नुकसान पहुंचा रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसराइल और हमास के बीच में, यहाँ पे लड़ाई रुक गई है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में, इसराइल और हमास के बीच में, फलस्तीन और इसराइल के बीच में यहाँ पे अभी रिसेंटली में बहुत ज्यादा यहाँ पे आपस में लड़ाई हुई, जिसमें विमान तक तो क्या नाम है मिसाइल्स डाली गई दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर और काफी ज्यादा जान माल की यहाँ पे क्षति हुई, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं 243 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, 1900 से ज्यादा घायल हुए, इसराइल के 12 लोग मरे और सैकड़ों लोग यहाँ पे भी जख्मी हुए हैं। तो एट लास्ट यहाँ पे जाके पूरी तरीके से मामला शांत हुआ और इसे यहाँ पे इस जो दोनों की देशों के बीच में जो बवाल था ये पूरी तरीके से फिर शांत कराया गया, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे एक न्यूज आई जहाँ पे ये कहा गया कि क्वार्टर फोर में जो जीडीपी होगा वो श्रिंक कर जाएगा 7.3% से। तो जीडीपी का मतलब क्या है, हम लोग जानते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसे हम कहते हैं जीडीपी, और इसका ये मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस प्रोड्यूस्ड विद इन एन इकोनॉमी इन अ स्पेसिफाइड टाइम। तो एक समय के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेस प्रोड्यूस हुए हैं, अगर हम उसकी मॉनेटरी वैल्यू ले लेते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, यहाँ पे जीडीपी मिल जाती है। क्या मिल जाती है? जीडीपी मिल जाती है किसी भी देश की। तो यहाँ कहा गया है कि हमारी जो जीडीपी है 7.3 के आसपास से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो इसी तरीके से लगातार हमारा डाटा आता रहता है। असल में यहाँ पे जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है क्वार्टर के हिसाब से, मतलब पिछले साल का जो डाटा है उसके महीने के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे अब बात आ रही है कि इट्स टाइम टू डिफाइन द लिमिट ऑफ सेडिशन। तो सेडिशन जो है इसको यहाँ पे लिमिट करने की बात की जा रही है कि बताना होगा यहाँ पे कि सेडिशन क्या है।
तो हम बात करते हैं यहाँ पे रिसेंटली अभी देखा गया कि टू तेलुगु चैनल के जो आपके चैनल के जो बंदे जो काम करते थे उसमें, उन्हें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दी है क्योंकि उन्हें यहाँ पे सेडिशन चार्जेस में अरेस्ट किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब टाइम आ गया कि आप लिमिट्स डिसाइड करें सेडिशन, सेडिशन यानी देशद्रोह के खिलाफ जो लगाया जाता है। तो बहुत सारे जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया यूजर्स और सबके खिलाफ यहाँ पे इसका इस्तेमाल करती है सरकार और पुलिस। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे प्रोविजंस की जो बात करें तो आर्टिकल यहाँ पे जो सेक्शन 242 124 ए और 153 ए, ठीक है, इंडियन पिनल कोड का, ये दोनों आपके सिडिशन से यहाँ पे रिलेटेड है। तो यहाँ पे इसका बहुत ज्यादा बार मिसयूज होते देखा गया है। तो यहाँ पे इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी जो अब सीमा है वो हमें तय करने की जरूरत आ गई है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे एक और यहाँ पे न्यूज है कि यहाँ पे एक सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट थे तो जिन्हें यहाँ पे आईआरएस है अभी, इन्हें आईपीएस इसलिए नहीं मिल पाए क्योंकि जो हाइट जो है वो 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा कम थी। तो यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल को इन्होंने ये बात भी लिखी और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में भी इसे कहा कि यहाँ पे जो ये है कि 2.5 सेंटीमीटर जो मेरी हाइट कम है उसके बाद यहाँ पे मेरा ये जो कम किया गया है ये सही नहीं है, क्योंकि असल में यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे अलग अलग लोगों को भी दिया गया है। जैसे यहाँ पे गोरखा, आसमीज, नागा, गरवाली, ये जो हैं इन लोगों को यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है 15 सेंटीमीटर का, क्योंकि बात यह है कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनकी हाइट बढ़ती नहीं क्योंकि वो जेनेटिकली वैसे हैं, ठीक है, उनके जीन्स ही वैसे हैं कि उनकी हाइट एक फिक्स रहेगी। तो अगर आप उसके हिसाब से एक फिक्स हाइट को ले लेंगे, मान के चलिए जैसे यहाँ पे आप लेके चलते हैं हरियाणा में लोग जो होते हैं, ठीक है, उनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, हरियाणवी राजस्थानियों की हाइट बहुत ज्यादा होती है, और उसी तरफ आप लेके चलेंगे नेपालीज या भूटानीज को लेके चलेंगे उनकी हाइट बहुत कम होती है। तो अगर आप इनके हिसाब से अगर सेट कर देंगे कि आईपीएस बनने के लिए ये वाली हाइट चाहिए, ये तो कभी बन ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है, तो इन्होंने कहा कि हमें भी रिलैक्सेशन के अंदर यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, ये सारी बात यहाँ पे इसमें आई, तो आपको ये सब थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे बढ़ते हुए। जस्टिस मिश्रा जो है यहाँ पे अब बनने जा रहे हैं क्या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के हेड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जस्टिस मिश्रा क्या बनने जा रहे हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अब यहाँ पे हेड बनने जा रहे हैं, जो यहाँ पे सिलेक्शन पैनल जो है उसने यहाँ पे देख लिया है। तो बात करते हैं अरुण कुमार मिश्रा जो है, ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा ये पूरा नाम है, नए चेयरमैन बनेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। तो हाई पावर कमेटी जो है उसने यहाँ पे इनका नाम क्या किया था, रिकमेंड कर दिया था। अब बात करते हैं ये जो आपका पैनल होता है, सिलेक्शन पैनल होता है, जिसमें कौन कौन होते हैं इनको, मतलब कि किसको बनाना है, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लोकसभा स्पीकर, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन, ये सारे जो होते हैं ये सब मिलके यहाँ पे क्या करते हैं, इनको चुनते हैं। साथ में कुछ और भी होते हैं बट यहाँ पे उसके बारे में उन्हें लिया नहीं गया, तो ये थोड़ा सा कंसर्न भी सामने आया। बट मेन हमारे लिए यही जानना है कि यहाँ पे जो माइनॉरिटी कमेटी, आदिवासी दलित कम्युनिटी के जो मेंबर होते हैं उनको यहाँ पे नहीं लिया गया, तो ये थोड़ा सा बात था। पर ठीक है, यहाँ पे जस्टिस मिश्रा बन जाएंगे, ये हमें मेन ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, मराठा कम्युनिटी ने यहाँ पे अपने लिए अलग से रिजर्वेशन के लिए मांग की है और यहाँ पे बात की गई है कि इसको ईडब्ल्यूएस कोटा के अंदर डाल दिया जाए। ठीक है, इसके अंदर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंदर यहाँ पे डाल दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि अगर ये 10% के अंदर इन्हें डाला जाता है तो हमारा जो 60% का, 50% का जो वो है वो तो पहले से ही ब्रीच हो रहा है। तो ये सबको लेके यहाँ पे लगातार मराठा कम्युनिटी जो है इसके लिए बात चलती रह रही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं चाइना में, हमें मालूम है टू चाइल्ड पॉलिसी थी, तो यहाँ पे अब क्या नाम है, यहाँ पे चाइना अपनी थर्ड चाइल्ड जो है वो अलाउ कर रहा है लोगों को करने के लिए, क्योंकि लगातार चाइना की पॉपुलेशन जो है वो क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, गिरती जा रही है। यहाँ पे चाइना क्या करने जा रहा है, इसे अलाउ करने जा रहा है कि आप यहाँ पे तीसरे बच्चे को क्या कर सकते हैं, अब रख सकते हैं। तो ये यहाँ पे न्यूज़ थी कि चाइना ने भी रिसेंटली क्या किया है, अलाउ कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ रहा है रोहिंग्या, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा क्या है प्रोसिक्यूटेड यहाँ पे आपके क्या नाम है, प्रवासी हैं, और यहाँ पे अभी इन्होंने प्रोटेस्ट किया बसंचार आइलैंड। तो हमें ये जानना है ये बसंचार आइलैंड क्या है, बांग्लादेश की टेरिटरी में आता है और बांग्लादेश ने यहाँ पे इनके रुकने की व्यवस्था 4,000 इनकी व्यवस्था जो कर रखी है, नहीं 4,000 पीपल, हाँ 4,000 से ज्यादा लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो
भशन चार आइलैंड जो है इसके पास में, यहाँ पे इनकी रुकने की व्यवस्था कर रखी है। तो यहाँ पे अभी साइक्लोन आने वाला है, तो उस चीज को लेके बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है कि हमारी भी सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए। तो ये सब चीजें यहाँ पे इसमें चल रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा बांग्लादेश और ये रहा आपका भशन चार आइलैंड। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट जो है वो यहाँ पे नैरो होने की बात कर रहा है एट 9.2%। ठीक है, तो यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट जो है कम होने की बात कर रहा है। तो हमें यहाँ पे कुछ डेफिसिट के बारे में जानना होगा। रेवेन्यू डेफिसिट होता है टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट। फिस्कल डेफिसिट जो होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। और यहाँ पे फाइनेंशियल डेफिसिट होता है, प्राइमरी डेफिसिट होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो असल में बात करें, फिस्कल डेफिसिट यहाँ पे बताता है उधारी के बारे में कि सरकार के पास उधारी कितनी है। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि इसमें काफी गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों यहाँ पे ये सब कुछ थी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे आरएएस 2021 के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पे और इसी तरीके से ये सीरीज को रखेंगे जारी। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।